हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वैदिक एज पढ़ रहे हैं। एपिसोड 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैदिक जो लिटरेचर आई थी उसमें चार पार्ट में डिवाइड थी। एक तो वेदास, जिनको संहिताज भी कहते हैं, ब्राह्मणाज, उपनिषद और अर्यंकाज। ठीक है, तो ये चार थे। वेदास हमने पढ़ लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मणाज। ब्राह्मणाज बेसिकली करते क्या हैं, वेदास के जो हाइम्स थे, जो श्लोक होते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। अब इनका नेचर प्रोज होता है, रिचुअलिस्टिक नेचर होता है, और ये प्रोज के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। और प्रोज और वर्ड्स के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया था, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्स जो होता है उसमें पोएटिक स्टाइल होती है, प्रोज में पोएटिक स्टाइल नहीं होती। आप किसी से बात करते हैं तो क्या पोएटिक स्टाइल में बात करते हैं? क्या गाना गा के बात करते हैं? नहीं, सिंपली बात कर लेते हैं ना। तो वो जो सिंपली बात करते हो आप, वो प्रोज होता है। लेकिन आप जब कोई कविता लिखते हो तो वर्स होता है। तो ब्राह्मणाज वेदास की हाइम्स को समझाते थे, और समझाते समय जो कमेंट्री यूज़ में होती थी वो प्रोज होती थी। जबकि मैं बता चुका हूँ ऋग्वेदा, सामवेदा, ये जो थे ये वर्स थे, इनमें वर्स थे, ये पोएटिक स्टाइल में लिखे गए थे। ब्राह्मणास इनको समझाते थे प्रोज में, रिचुअलिस्टिक थे नेचर में। समझाते थे कैसे सेक्रीफाइसेस होंगे, कैसे रिचुअल होंगे, किस तरीके से आपको करना है, पढ़ना है, उठना है, बैठना है, सारी चीज़ें वेदास में जो थी समझाते थे। हर वेदा का एक ब्राह्मणा अटैच होता है, मिनिमम एक तो होता ही है, और सेवरल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आपको टेबल दिख रही होगी, ऋग्वेदा के साथ ऐत्रेय और कौशिति संख्या ब्राह्मण भी है, जिसको संख्या कहते हैं। सामवेद के साथ पंचविश, शतनविश, चांदोग्य, जैमिनिया भी है। यजुर् के साथ शतपत और तैत्रीय भी है, और अथर्व के साथ गोपता है। यजुर्वेद में जो शतपत ब्राह्मण है वो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है। अब ये सुनने में आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो, लेकिन परेशान ना होइएगा, मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे। लेकिन आप इनको हर दो दिन में, तीन दिन में अगर रिवीजन करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। हर रात को सोने से पहले आप देख लीजिए आपने क्या याद किया था ब्राह्मणास में, और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कल फिर उठ के पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से जो है रिवीजन में आपका काम हो जाएगा। अर्यंका, मैंने आपको बताया था कि संहिताज यानी कि वेदास होते हैं, अगर मैं चार लिटरेचर में डिवाइड करूं, ब्राह्मणाज, अर्यंकाज, उपनिषद। संहिताज यानी कि वेदास, ब्राह्मणाज, अर्यंकाज, उपनिषद। वेदास हमने पढ़ लिया था, ब्राह्मणा हमने पढ़ लिया, इसी में अर्यंका पे आते हैं। अरण्य क्या, अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो जंगल में जो ऋषि मुनि लिखते थे टेक्स्ट को, इन फॉरेस्ट टेक्स्ट को कहते थे अरण्य का। ये ब्राह्मणास के लास्ट में आते थे, फॉर वेदास के लास्ट में ब्राह्मणास, ब्राह्मणास के लास्ट में अर्यंका। उपनिषद जो थे वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, बहुत सुना भी होगा इनके बारे में, बहुत फेमस भी हैं। वेदांता कहते थे इनको, क्योंकि वेद के अंत में आते थे। तो ब्राह्मणास भी जो है वो वेद के, आप कह सकते हैं उनको समझाने के लिए हैं। ठीक है, ब्राह्मणास जो होते हैं वो एक तरीके से उनको समझाने के लिए कि हाइम्स क्या क्या है वेदा में, और हर वेदा के एक ब्राह्मण अटैच्ड है। वैसे उपनिषद से, उपनिषद जो होते हैं वो एक तरीके से वेदांता कहते हैं, और ये हर वेद के एंड में आते हैं, टूवर्ड द एंड ऑफ वेदास। ब्राह्मणा जरूरी नहीं है एंड में है, लेकिन हर वेदा का एक ब्राह्मणा होता ही है। उपनिषद तो वेदास के एंड में आते हैं, इसलिए इनको वेद अंत भी कहते हैं, एंड ऑफ द वेदास, समझ में आ रहा है। और 108 उपनिषद से टोटल, जिसमें बृहदारण्यक ओल्डेस्ट उपनिषद है। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन की मैं बात करूँ तो वेदांगास जो है वो पहला है, दूसरा स्मृति धर्मशास्त्रास हैं, तीसरा महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत पढ़ेंगे हम, फोर्थ पुराणास, फाइव उपवेदास और षड् दर्शनम। देखिए घबराइए मत, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा। अब ये समझिए कि हमने अब तक क्या पढ़ा, 1500 से 600 BC तक की जो लिटरेचर थी वो पढ़ी, संहिताज, वेदास जिनको कहते हैं, दूसरा ब्राह्मणास, तीसरा अर्यंकाज और चौथा उपनिषद। ये 1500 से 600 BC अर्ली वैदिक लिटरेचर है, समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक ट्रेडिशन की, 600 BC से 600 AD, इसमें धीरे धीरे डेवलप होते गए। इसमें छह चीज़ें थी, वेदांगाज, स्मृतिज, महाकाव्य, पुराणा, उपवेद, शरद दर्शनास। वेदांगाज भी छह थे, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। व्याकरण अष्टाध्यायी, रिटन बाय पाणिनि, इट इज़ द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। तो छह वेदांगा याद रखेंगे तो वेदांगा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम स्मृति दर्शनास्ति,
स्मृतिज की बात करें तो स्मृति धर्मशास्त्राज में मनुस्मृति ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है, यजन्म कल्या स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कट्यायन स्मृति, ठीक है। टू महाकाव्य है रामायण महाभारत, रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने, महाभारत किसने लिखी, वेदव्यास ने। रामायण को आदिकव्य कहते हैं, ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, 24,000 श्लोक से इसमें, वर्सेज इसके चैप्टर्स को कहते हैं अपन कांड, कितने कांड है, 7। महाभारत किसने लिखी, वेदव्यास ने, लॉन्गेस्ट एपिक है, ओल्डेस्ट रामायण, लॉन्गेस्ट महाभारत, लॉन्गेस्ट क्यों, 100,000 श्लोक है इसमें टोटल, वर्सेज 100,000, ओरिजिनल कितने थे, 8,800। इसमें चैप्टर्स को कहते हैं परवानस, रामायण में चैप्टर को कहते थे कांड, इसमें कहते थे परवानाज, 87 कांड रामायण में, 18 परवानाज महाभारत में, समझ में आ गया। पुराना मतलब क्या होता है, ओल्ड, 18 फेमस पुराणाज है, मतलब से पुराना ओल्डेस्ट है, और भी पुराणाज है, भगवत विष्णु वायु ब्रह्मानंद। उपवेदा में मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था, एपिसोड 9th या 8th में, कि हर वेद के साथ एक उपवेद जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, साइंस ऑफ क्राफ्ट जिसको आप बोलते हैं, जो विश्वकर्मा की, भगवान की जो पूजा करते हैं हम नॉर्मली फैक्ट्रीज में, जो जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादा मानते हैं विश्वकर्मा भगवान को, तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि साइंस ऑफ क्राफ्ट के गॉड ऑफ क्राफ्ट कहते थे इनको, ठीक है। तो अब 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, शब्द दर्शन, संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत, ये हैं। इसमें बेसिक टेक्स्ट और फाउंडर आप देख सकते हैं, फाउंडर याद रखिएगा, फाउंडर आप याद रखिएगा, संख्या दर्शन का कपिला, योगा का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिका का उल्लू का कन्नड़, मीमांसा का जैमिनी और वेदांत का बद्रायना। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेंगे और लग भी रहे होंगे, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। अर्ली वैदिक एज में हमने 4 टेक्स्ट पढ़े, संहिताज जिनको आप कहते हो वेदाज, ठीक है, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ठीक। ब्राह्मणास पे, ब्राह्मणास क्या होते हैं, जो लास्ट कंक्लूडिंग जो समझाने के लिए होते हैं उनको, हैम्स को, सेक्रीफाइसेस को, रिचुअल्स को, ठीक है। फिर आते हैं उपनिषद, अर्यंका, अर्यंका मतलब जंगल, जंगल में जो ऋषि मुनि टेक्स्ट लिखते थे वो, ये ब्राह्मणा के एंड में आते हैं, ठीक है। तो वेदास को समझाने वाले कौन, ब्राह्मणास, और ब्राह्मणा के एंड में कंक्लूडिंग पोर्शन कौन, अर्यंका, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद क्या होता है, वो बेसिकली वेद के अंत में आते हैं, हर वेदास मतलब वेदास के एंड में आते हैं, ये एक तरीके से फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ये समझाते हैं कि मतलब जीवन मरण, समझ रहे हो ना, ये साइकिल ऑफ द अर्थ, बर्थ डेथ, ये सब ये समझाते हैं। तो 108 उपनिषद हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारी अल्लिक वैदिक लिटरेचर हो गई, ठीक है। लेटर की बात करें तो वेदंगाज, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराणाज, उपवेदा, शब्द दर्शन। वेदंगाज में हमने 6 वेदंगा की बात की, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। फिर स्मृति धर्मशास्त्र की बात करी जिसमें ये स्मृति थी, ठीक है। अब महाकाव्य में रामायण और महाभारत थी, ठीक है। पुराना में हमने पढ़ा 18 फेमस पुराना, मत्स्य ओल्ड है। उपवेदा में हमने दे ही दिया, ऋग्वेद के साथ आयुर्वेद, सामवेद के साथ गंधर्ववेद, यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद, अथर्ववेद के साथ शिल्पवेद, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता चुका हूँ, अथर्ववेद को बहुत टाइम से नॉन आर्यन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अथर्ववेद को इसमें जोड़ लिया गया, ठीक है। अब इंडियन फिलोसफी स्कूल्स, आपने अपने आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस होगा उसमें भी पढ़ा होगा ये 6, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो उसमें ये आपको 6 स्कूल्स मिले होंगे। तो अभी के लिए एंशियंट हिस्ट्री के अंदर इसके फाउंडर आप याद रख लीजिए, वही बहुत है। बाकी आर्ट एंड कल्चर का जब हम क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। मेरा इकलौती सलाह ये होगी कि आप इनको नज़रअंदाज ना करें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। बाकी गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।